जो बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है स्टडी वीजा पे, पीआर वीजे पे, उनके लिए एक बहुत तगड़ा भूचाल आया। क्या भूचाल था वो? पियर्सन पीटी में एक स्कैम का पता चला है, एक फ्रॉड का पता चला है। इतनी बड़ी टेस्टिंग एजेंसी पियर्सन, उसमें एक फ्रॉड। यस, 7 अक्टूबर को पुलिस ने इलांटे ऑफिस चंडीगढ़, पियर्सन का जहाँ पे सेंटर है 4th फ्लोर पे, वहाँ के टेस्ट सेंटर मैनेजर के अगेंस्ट एक FIR दर्ज की है। और FIR में सेक्शंस कौन से हैं? सेक्शन 419, सेक्शन 420। 420 सेक्शन किसका होता है? यस, फॉर फ्रॉड, फॉर चीटिंग। अब वहाँ हो क्या रहा था, वहाँ चल क्या रहा था, आइए जानते हैं। मेरा नाम है भरत ब्रिज एंड आई टीच एट मावल एजुकेशन एंड मावल PTE। आई विल टेल यू ये स्कैम था क्या, इस स्कैम को किया कैसे जा रहा था, कब से चल रहा था, कितने स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे, कितने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स इन्वॉल्व थे, कैसे पकड़ा गया ये स्कैम, और इस स्कैम का आपके ऊपर इफेक्ट क्या होगा, और क्या ये स्कैम पियर्सन की इमेज बहुत ज़्यादा डाउन करेगा। अब आप एक अनडिजर्विंग कैंडिडेट हैं और आपने पियर्सन PTE राइट डाउन की, और आपके बैंड्स कितने आए? 3, 3.5, 4, पर आपको तो बाहर जाना है। व्हाट यू विल डू? आप दोबारा पेपर दोगे। पर 15 दिन के अंदर क्या ये पॉसिबल है कि 15 डेज के अंदर आपका दिन और रात का अंतर आ जाए रिजल्ट्स में? फॉर एग्जांपल, आपने पहली बार पेपर दिया, आपके 3 बैंड्स आए, और उसके बाद दोबारा पेपर दिया, आपके 7 बैंड्स आए। इज इट पॉसिबल? डू यू थिंक दिस कैन बी जेन्युइन? 3 बैंड से 7 बैंड्स, 4 बैंड्स का जंप या 3 बैंड्स का जंप विद इन 15 डेज और सो? यस, दाल में काला लगता है ना कुछ? फ्रेंड्स, पूरी दाल ही काली थी, एंड दिस वॉज द स्कैम। कुछ पियर्सन PTE के एम्प्लॉयज़ ने एक स्कैम के बारे में सोचा। क्या था वो स्कैम? कि यार, बहुत सारे भोले भाले बच्चे होते हैं, पैसा बहुत है उनके पास, पर डिजर्विंग नहीं है। क्या करें, उनके नंबर ला देते हैं, लाखों रुपया खर्चने को तैयार हो जाएंगे, नंबर आ जाएं, बैंड आ जाएं, वीज़ा लग जाए। होता क्या था इस स्कैम में? जिस जिस स्टूडेंट ने पियर्सन का पेपर चंडीगढ़ इलांटे में राइट डाउन किया हुआ है, उसको पता है उनका 4th फ्लोर पे ऑफिस है और एक कॉमन वॉशरूम है जो कि अनमॉनिटर्ड है। यस, पूरे फ्लोर का एक कॉमन वॉशरूम। जैसे ही आप पियर्सन के पेपर के लिए एंटर करते हो, आपको एक टोकन नंबर मिलता है, उसके बाद आपको एक वेटिंग एरिया में बिठा दिया जाता है। उस वेटिंग एरिया के बाद आपको टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर आपको कॉल अप करता है, और आप जाते हो, आप अपने पाम का स्कैन देते हो, और आपके रजिस्टर्ड होती हैं फिंगरप्रिंट्स और पाम फिंगरप्रिंट्स। उसके बाद आपका पासपोर्ट चेक होता है, आपकी फोटोग्राफ क्लिक की जाती है, राइट, एंड देन अगेन आपको वेटिंग एरिया में वेट करना होता है। उसके बाद आपको टेस्ट सेंटर हॉल में ले जाया जाता है, जहाँ पे आपकी फ्रिस्किंग होती है। फ्रेंड्स, वहाँ पे आप अपनी फ्रिस्किंग खुद ही कर रहे होते हो, खुद ही अपनी बॉडी पे ऐसे टैप करके अपनी फ्रिस्किंग कर रहे होते हो। उसके बाद आपका पेपर स्टार्ट होता है। लास्ट क्वेश्चन पियर्सन के PTE में कौन सा आता है? राइट फ्रॉम डिक्टेशन लिसनिंग में। जैसे ही आपका राइट फ्रॉम डिक्टेशन फिनिश होता है, उसके बाद आपका पेपर फिनिश होता है, आप टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाते हैं, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर आता है, आपको एस्कॉर्ट करता है, और उसके बाद फिर से आप अपने एक मशीन में पाम फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करते हो। क्यों करते हैं ये स्कैनिंग? ताकि जिस स्टूडेंट ने पहले पाम विन स्कैन दिया हुआ है, उसी का मैच हो बाद में। दिस इज़ अ वेरीफिकेशन। अब ये था प्रोसेस पियर्सन PTE के पेपर का। कैन यू स्मेल अ स्कैम हियर? यस, यहीं पे कुछ स्कैम होता था। क्या होता था? याद है मैंने आपको एक कॉमन वॉशरूम के बारे में बताया था? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहीं से ये सारा स्कैम स्टार्ट होता था। एक प्रॉक्सी कैंडिडेट आपकी वॉशरूम में, उसी कॉमन वॉशरूम में वेट कर रहा होता था। जैसे ही आपने पाम वेरिफिकेशन स्कैन्स दिए, आपको टोकन नंबर के साथ आपको वेटिंग एरिया में वेट कराया जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 4 के बैचेस में स्पीकिंग होती है, तो दे वेट कि 4 स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाएं, ताकि बाकियों को डिस्टर्बेंस ना हो, और 4 स्टूडेंट्स की इकट्ठी एक स्लॉट में स्पीकिंग स्टार्ट हो, बाय द वे, विच इज़ अ गुड थिंग। बट अब जो ओरिजिनल स्टूडेंट इस स्कैम में इन्वॉल्व होता था, वो किसी ना किसी बहाने से या तो फ्रंट डोर से, या फायर एग्जिट डोर से, या बैक डोर से वॉशरूम जाता था। प्रॉक्सी कैंडिडेट उसके कपड़े पहनता था, सेम लुकर लाइक क्लोथ्स पहनता था, और प्रॉक्सी कैंडिडेट पेपर देने के लिए वेटिंग एरिया में या बैक डोर से एंट्री कर लेता था। प्रॉक्सी कैंडिडेट कौन? कैंडिडेट जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, जो टारगेट स्कोर अचीव करवा सकता था। सो प्रॉक्सी कैंडिडेट ने उस ओरिजिनल कैंडिडेट का पूरा PTE एग्ज़ाम दिया। सो अब आप ये सोच रहे होंगे, ये स्कैम अभी तक डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ था? कि जिस जिसने इलांटे सेंटर में पेपर दिया हुआ है, उस सबको पता है कि जैसे ही वो एग्जिट करते हैं अपने टेस्ट सेंटर से, उनका पाम वेन स्कैन लिया जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए 2 टर्म्स याद रखिए। TA इज़ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, TCM इज़ टेस्ट मैनेजर। अब ये फ्रॉड कौन कर रहा था? TCM, टेस्ट सेंटर मैनेजर। कैसे कर रहा था?
टी ए बन के। नाउ आई विल एक्सप्लेन हाउ। जैसे ही स्टूडेंट का डब्ल्यू एफ डी कम्प्लीट होती थी, राइट फ्रॉम डिक्टेशन कम्प्लीट होता था, वो एंड टेस्ट करता था, जो प्रॉक्सी कैंडिडेट है वो एग्जिट करता था टेस्ट हॉल से अपने पाम स्कैन्स वेरीफाई करवाने के लिए। उस टाइम पे टी सी एम ही टी ए बन जाता था। टी ए के पास एक अथॉरिटी होती है कि उस टाइम पे बाई चांस ये पियर्सन ने एक बैकअप रखा हुआ था कि ऑल्टरनेट आई डी एक्सेप्ट हो सकता है अगर आपका पाम स्कैनर फेल हो गया। तो इस टाइम पे अब जो वो टी सी एम था टी ए बन के, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बन के, उस स्टूडेंट के पास आता था, किसके पास? प्रॉक्सी कैंडिडेट के पास। वो इम्प्रेशन ये देता था कि वो उसका पाम स्कैन कर रहा है, पर वहाँ पे वो पाम स्कैन की जगह ऑल्टरनेट आईडी एक्सेप्ट करता था, तो प्रॉक्सी कैंडिडेट का कभी पाम वेरिफिकेशन ही नहीं होता था। दिस वॉज अनदर रीज़न पियर्सन इस चीज़ को डिटेक्ट कर पाया, क्योंकि हर बार आपका टीए जो कि टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक ही टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर बार बार कैंडिडेट्स के स्कैनर फेल नहीं हो सकता। मींस अगर दूसरा टीए कर रहा है स्कैन तो वेरीफाई हो रहा है, सक्सेस हो रहा है, राइट? बट अगर टीसीएम स्कैन कर रहा है तो वो फेल हो रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या सिर्फ पियर्सन में ये फ्रॉड हुआ है, आइल्स में नहीं होता? आइल्स में भी होता है फ्रेंड्स, पर क्या हम आइल्स को डाउट करते हैं? नो, हमारे लिए आइल्स की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। द सेम वे हमें पियर्सन की क्रेडिबिलिटी पे भी यकीन करना पड़ेगा। अरे पिछले साल ही तो आइल्स का भी एक स्कैम आया था अमृतसर में। आइल्स ने क्या किया? एक्शन लिया ताकि ये मिस्टेक दोबारा ना हो, ये स्कैम दोबारा ना हो, कोई भी इस तरह का स्कैम दोबारा ना कर सके। एंड आई बिलीव पियर्सन भी यही करेगा, दे विल प्लग ऑल द लूपहोल्स। अब यह स्कैम का पता कैसे चला? एज पर रिपोर्ट्स, पियर्सन ने अपने इंटरनल ऑडिट में पाया जिस जिस स्टूडेंट ने पियर्सन सेंटर इलांटे में पेपर दिया, उसको पता है एक ओपन रूम होता है, मिरर्स वाला होता है, वहाँ पे एक ऑडियो डिवाइस होती है, सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, आपकी ऑडियो और वॉइस दोनों रिकॉर्ड हो रही होती हैं। सो नियर अबाउट सितंबर के आसपास क्या होने लगा, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इलांटे में एग्ज़ाम देने जाते हैं, उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। एक स्टूडेंट था जिसका 10th को पेपर दिया और उसका 25th तक रिजल्ट नहीं आया। दो ही अचीव्ड हिज टारगेट स्कोर, जो उनका टारगेट स्कोर था पीआर के लिए, स्टिल 15 दिन रिजल्ट्स नहीं आए। उसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई। क्या डेवलपमेंट हुई? अक्टूबर में पियर्सन के इलांटे ऑफिस चंडीगढ़ में सिर्फ और सिर्फ एक एक स्लॉट एक एक दिन का बचा। क्या सारे स्लॉट्स इतने बुक हो गए? क्या इलांटे इतना पॉपुलर हो गया? नो। अब समझ आ रहा है क्यों वहाँ पे इतने कम स्लॉट्स रह गए, क्योंकि वहाँ पे सारा इंटरनल ऑडिटिंग स्टार्ट हो गई थी, सारी वीडियोस चेक हो रही थी, क्यों रिजल्ट्स डिले हो रहे थे, क्यों स्टूडेंट्स को 10-15 दिन वेट करनी पड़ रही थी। हमारे एक दो स्टूडेंट्स का तो वीज़ा रिजेक्ट हो गया क्योंकि उनकी जो डेडलाइन थी उस डेडलाइन तक रिजल्ट नहीं आया। उस टाइम बहुत बुरा लगता है, वी फेल्ट बैड फॉर देम, इट वॉज देयर हार्ड लक, बैड लक, बट नाउ वी गॉट टू नो क्या रीजंस हैं इन सब चीज़ों के पीछे। थर्ड डेवलपमेंट क्या हुई, जो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी समथिंग इज रॉन्ग, जो नॉर्थ इंडिया के हेड हैं पियर्सन के, उन्होंने एक फॉर्म बनाया और वो सबमिट करने के लिए दिया ताकि अगर आपके रिजल्ट्स लेट हो रहे हैं जेन्युइन कैंडिडेट्स के, वो फिल कर सके और उनको प्रोसेस करवाया जा सके। पर यस, ऑडिटिंग बहुत हाई लेवल हो चुकी थी। अब इस स्कैम का पता कैसे चला? एक, एज आई सेड, इंटरनल ऑडिट हो रही थी। सेकंड, एक ही क्रेडिट कार्ड से जिसका लास्ट के 4 digits 1582 हैं, यस 1582, 10 पेपर फिल किया गया। कुछ ओरिजिनल कैंडिडेट्स, कितने ओरिजिनल कैंडिडेट्स अब तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं जो इस स्कैम में हिस्सेदार थे? 20+। कितने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स पता चल चुके हैं? प्रॉक्सी कैंडिडेट्स कौन से? जो उन रियल ओरिजिनल स्टूडेंट्स की जगह पेपर देते थे, अराउंड 8 मेल्स एंड 6 फीमेल्स। यस, 20+ ओरिजिनल कैंडिडेट्स एंड 14 प्रॉक्सी कैंडिडेट्स। इन सबको पुलिस अभी तक आइडेंटिफाई कर चुकी है और इन सब के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो चुकी हैं, और जितने भी ये कैंडिडेट्स हैं उन सबका रिजल्ट रिवोक किया जा रहा है। क्या फ़ायदा हुआ इस सब में इन्वॉल्व होने का? अपनी मेहनत से कमाए हुए, अपने माँ बाप की मेहनत से कमाए हुए, एक तो आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए इस चीटिंग का हिस्सा बनने के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट ओरिजिनल कैंडिडेट्स, राइट? और उसके बाद अब उन सब का रिजल्ट रिवोक हो रहा है, पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाएगी फ्रॉड का, अब वो शायद कभी दोबारा ऑस्ट्रेलिया भी ना जा पाए। वी आर वेरी मच श्योर कि पियर्सन इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंटली डील करेगी। Now let's see the impact on genuine students like you. Now, do I think that this is a failure for Pearson as a testing agency? I certainly do not believe so, because PTE is not their only exam. Yes, a lot of you might not be knowing, they have been conducting lots of tests which have been really, really important in shaping future of a lot of students like you. Pearson tests have enabled students to fulfill their dreams, and as a testing agency, this incident just shows that they have
had their share of bad eggs. To be honest, it was just one corrupt official whose greed got the best of him. But we have to give credit where it's due. Yes, I want to give credit to Pearson officials because they are the one who filed complaints and investigated this matter. Yes, no one externally came and told you that this is happening in your centers. They themselves got to know about this. We have seen cheating cases in our board exams, right? Yes, at least I can remember 3 or 4 incidents when our board paper got leaked. But does that mean CBSE and other state boards are not reliable? Do you think so? No, we do not doubt their reliability. So we must not generalize this incident also. Rather, we should be happy. Yes, you, me, everyone should be happy about the fact that if there was a shortcut, a hole in the system, it was plugged immediately and hopefully nobody in future will be able to exploit the system again. So here, I would like to praise Pearson VUE for taking prompt action. 100% marks to you, Pearson. Despite being at risk of bad press. Yes, they didn't care for bad press and tutor. Prompt and swift action. And most importantly, I would like to warn students like you who are watching this video. You should not believe that shortcuts are any alternative to real hard work. Then how can you get your target scores? किसी भी एग्जाम में सिर्फ शॉर्टकट्स और ट्रिक्स से बात नहीं बन सकती. प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है. आपने तो सुना ही होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. यस, नाउ द idiom हैज चेंज्ड. इट्स नॉट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इट्स प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. और पीटी में जब तक हम अपनी सीखी हुई ट्रिक्स को इम्प्लीमेंट नहीं करके देख लेते, तब तक हमें अच्छे स्कोर की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए कि हमारा अच्छा स्कोर आ सकता है. इसीलिए हमें प्रॉपर एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. मार्वल पीटी की स्ट्रैटेजी से पीटी बिल्कुल सिंपल हो गया है. एवरीवन इंक्लूडिंग यू कैन अंडरस्टैंड दीज स्ट्रैटेजीज. हाउएवर, ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव टू प्रैक्टिस. यस, यू हैव टू प्रैक्टिस टू गेट परफेक्ट. ऑन आर सॉफ्टवेयर यू कैन प्रैक्टिस ऑल द स्ट्रैटेजीज एंड इम्प्रूव योर स्कोर. मार्वल पीटी के सॉफ्टवेयर में 0% ह्यूमन स्कोरिंग है. यस, वी ह्यूमंस डू नॉट रेट यू. एंड ऑल ऑफ योर स्किल्स, ऑल द 10 स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेटिव स्किल्स लाइक स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड ऑल द इनेबलिंग स्किल्स इंक्लूडिंग फ्लुएंसी, pronunciation, grammar, vocab, written discourse, spellings are judged 100%, yes, 100% by artificial intelligence software. तो सही तरीके से अपना target score achieve करने के लिए आज ही subscribe कीजिए Marvel PTE पर. WhatsApp at this number 8699121121 or visit us online at marvelpte.com. We give wings to your dreams.